जय हिंद दोस्तों। देखिए काफी सारे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि क्या ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो भर्ती है उनके जो पदों की बढ़ोतरी है वो होगी क्या। देखिए आज हम इसी के अंदर हम बात करेंगे कि इस टॉपिक पर कि क्या पदों के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं पहले ही एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 की जो है उसी की मैं बात कर रहा हूं जो अभी चल रही है। इसके अंदर एनटीपीसी में 35,000 के लगभग पोस्टें हैं, उसमें मामूली सी पोस्टों की वृद्धि हुई थी। ठीक है, देखिए इसके अंदर 15 जनवरी को इसका रिजल्ट आने वाला है एनटीपीसी सीबीटी 1 का। अब बात करें हम ग्रुप डी की तो इसके अंदर लगभग 1,00,000 पोस्टें हैं और इसका एग्जाम 23 फरवरी से शुरू होने वाला है। ठीक है, अब देखिए एनटीपीसी की पुरानी भर्ती की अगर हम बात करें तो ये शुरू हुई थी 2016-17 में, यानी काफी टाइम पहले एनटीपीसी की भर्ती आई थी जिसके अंदर लगभग 18,000 पोस्टें थी और काफी टाइम निकल गया है उसको कंप्लीट हुए। ठीक है, तभी अब इसके अंदर अगर हम बात करें पोस्टों की वृद्धि होगी क्या, क्या पदों की अंदर वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, तो देखिए अगर हम यहाँ पे कहें तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि एनटीपीसी के पदों के अंदर वृद्धि हो। ठीक है, मामूली से पदों के अंदर वृद्धि हुई थी वो आपने नोटिफिकेशन पहले देख लिया होगा। और बात करें अगर हम ग्रुप डी की तो ग्रुप डी के अंदर अगर हम कहें तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इनके अंदर पदों की बढ़ोतरी हो। ठीक है, देखिए ये मामला यहाँ पे आता है कि आप इसके लिए आवाज उठा सकते हो, जो भी टीचर आपका आप जिसे जानते हो, जो भी आपका टीचर है चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर से हो या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ रहे हो तो आप उनसे मिलकर आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं कहूं तो रेलवे इसके अंदर इंक्रीज कर सकता है क्योंकि 2019 की ये वैकेंसी है। ठीक है, 2019 की वैकेंसी है और एग्जाम जो है वो 2022 के अंदर हो रहा है, यानी 3 साल बाद में इन्हीं पोस्टों पे जो 2019 के अंदर आई थी उन्हीं पोस्टों पे 3 साल बाद में एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो इनके अंदर पोस्ट इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है और जो मन में आपके सवाल आ रहा है वो भी जायज है क्योंकि 3 साल हो गए, होना भी चाहिए, पोस्ट इंक्रीज भी होना चाहिए। अभी एग्जाम 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। देखिए अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए और उन टॉपिक को पढ़कर आप 70+ नंबर लेकर आ सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है टॉपिक वाला, बेस्ट टॉपिक वाला, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि पिछली भर्ती ग्रुप डी की जो पिछली भर्ती है वो हुई थी 2018 के अंदर। ठीक है, जिसकी अभी तक जो पोस्टिंग है वो चल रही है, यानी कि जो इनकी वैकेंसी जो खाली हो गई थी, वेटिंग लिस्ट जिसको बोलते हैं, वो बार बार आ रही है। ठीक है, बार बार आ रही है, आपने काफी टाइम पहले देखा होगा कि इनकी पिछली बार जो पोस्टें लगभग अगर हम कहें 62,000 के लगभग थी 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी के अंदर। इसमें से काफी सारी पोस्टें खाली रहेंगी क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो कि ग्रुप डी का फॉर्म तो भर गया लेकिन इस पे काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि ग्रुप डी का जो काम होता है वो थोड़ा हार्ड टाइप का होता है, लेकिन जो बीटेक कर रखी है, किसी ने एमबीए कर रखी है, ऐसे कैंडिडेट एग्जाम तो क्लियर कर गए लेकिन उस जॉब को ज्वाइन नहीं कर रहे तो इस कारण से इसकी पोस्टें खाली रहेगी। लेकिन रेलवे ने बोला था कि जो खाली पोस्टें हैं वो वेटिंग लिस्ट से भरेंगे, लेकिन यहां पे जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ज्यादा निकल गई है, तो हो सकता है मैं प्रॉपर नहीं कह रहा, चांस तो यही लग रहे हैं कि यहां की जो पोस्टें खाली बचेगी वो यहां पे एड कर दी जाएगी। लगभग यही चांसेस है कि इस भर्ती को जब कंप्लीट होने लगी तब तक मेरा यही मानना है कि इसमें से जो पोस्टें खाली रहेगी वो पोस्टें इंक्रीज हो सकती है। आपको थोड़ी बहुत आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, जो भी आपके टीचर है उनसे संपर्क कीजिए और इनकी पोस्टें बढ़ाने की बात जरूर कीजिए। और जहां तक मेरा मानना है लगभग यही चांसेज है कि ग्रुप डी की वैकेंसी के अंदर इंक्रीज हो सकता है, पोस्टें बढ़ सकती है, लेकिन एनटीपीसी की जो पोस्टें हैं वो नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो जो बढ़ने का जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया है और लगभग यही खबरें बार बार चल रही है, बहुत से स्टूडेंट के मन में भी आ रहा है कि क्या इनकी पोस्टें इंक्रीज होगी, तो लगभग यही चांसेस है कि ग्रुप डी की जो पोस्टें हैं उनके अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। फिर भी आपकी क्या राय है, बढ़ोतरी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। बाकी आप 23 फरवरी के लिए तैयार रहिएगा,
सॉरी 23 फरवरी के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ये दिन जो हो आपके लिए बहुत ही निर्णायक होगा। काफी टाइम से आपने वेट किया है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आपके लिए ये दिन बहुत ही शुभ हो और आपके लिए सरकारी जॉब का जो सपना है वो साकार करने का ये दिन जो हो बहुत ही शुभ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर भी कोई आपका डाउट रह गया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिल जाएंगे, तब तक लीजिए।